राज मैं तुहानू अज 3.3 दे सवाल करवाउण जा रही हाँ। प्रस्थापन विधि इलीमिनेशन प्रस्थापन विधि सबस्टिट्यूशन मैथड ये अपा ने मुल पता करने हैं। जे एक्स वाई लिखा तो एक्स वाई के मुल कढ़ने हैं, जे एस टी लिखा तो एस टी के मुल कढ़ने हैं। पहला अपा ने आलेख विधि की ग्राफिकल मैथड। सुनो राजे फस्ट सम जो दो इक्वेशन दिए हुए हैं एस माइनस टी बराबर तीन एक है एस बटा तीन प्लस टी बटा दो बराबर छे। सब तो पहला जी बटिया वाली रकम आनू खत्म कर लो, मतलब बटे खत्म कर लो लघुत्तम लेके जा फिर बटरफ्लाई मैथड हेठ लिया गुणा इनू एनू ए ठीक है। अपने को आ गया टू एस प्लस थ्री टी छे इधर लो 36। उस तो बाद पहली इक्वेशन एस का मुल कढ़ लो, दूजी इक्वेशन जो मुल पुट कर दो। एस का भी कढ़ सकते हो टी का भी कढ़ सकते हो। मैंने एस का कढ़ लिया टी माइनस इधर आके प्लस दे हो गए। फिर एस का मुल समीकरण दो भर दो जिथे एस आ उत्थे तीन प्लस टी लिखना है। देखो दो जिथे एस आ उत्थे मैं तीन प्लस टी लिखता प्लस तीन टी बराबर 36। फिर दो नूं इहदे नाल गुणा करो दो नूं इहदे नाल 6 प्लस दो टी प्लस तीन टी बराबर 36। तीन ते दो 5 टी प्लस दे 6 इधर आके माइनस चले गए किन्ने रह गए 30। टी किन्ना आ गया 30 बटा 5 किन्ना कट के किन्ना आ गया 6। एस का मुल किन्ना आ गया अपने कोल राजे इत्थे टी का मुल पुट कर दो। टी किन्ना कढ़िया 6 भर के 3 प्लस 6 किन्ना आ गया 9। टी किन्ना आ गया 6 एस किन्ना आ गया 9। इधर राजे थर्ड सवाल आ 3s माइनस वाई बराबर 3 एक है 9x माइनस 3y बराबर 9। इस तरह ये मैंने एक्स का मुल कढ़ लिया माइनस दे वाई इधर आगे प्लस दे बन गए। 3 गुणा एक्स गुणा मतलब बटिया जाऊगा 3 प्लस वाई बटा 3। एक्स का मुल आ गया राजे एक्स की थान एक्स का मुल हूँ समीकरण दो पुट कर दो। देखो जिथे एस एक्स सी उत्थे मैंने की पुट करता एक्स का मुल पुट करता 3 प्लस वाई बटा 3। जे दोनों रकम कट दी हो कटा लवो आह 3 राजे ये नहीं कटना। कई बच्चे गलती करते हैं इन्होंने दोनों की कटिंग कर देंगे हैं, वह गलत है। ब्रैक के बाहर वाली रकम कटा सकते हैं ये नहीं कटा सकते। 3 ये कटाया किन्ना आ गया 3 9 ना कटा के हूँ इन्हें यदा गुना कर दो यदा गुना कर दो 9 प्लस 3 वाई माइनस 3 वाई बराबर 9 आ कैंसल आउट हो गया। इधर भी 9 बच गया इधर भी 9 बच गया दोनों पासे बराबर आ गए। यदा मतलब वाई का कोई भी मुल हो सकता है ठीक है। एक्स का मुल आ गया अपने को 3 प्लस वाई बटा 3 वाई का कोई भी मुल हो सकता है। वाई कैन हैव एनी वैल्यू। इधर रहा चौथा सवाल है ये भी देखो पॉइंट ने पहला पॉइंट खत्म कर लो सवाल सौखा निकल जाता है। पॉइंट 2 वटा 10 पॉइंट 3 3 वटा 10 पॉइंट 1.3 कि बन गया 13 वटा 10। ओदी जे सेम रकम सीधे एल्सम ले लैने आप 2x प्लस 3y ये 13 वटा 10 10 ना 10 कैंसल आ रकम बन गई अपने को। सिमिलरली राजे इधर बन गई इधर मैं एक्स का मुल कढ़ के पुट कर देवगी 2x बराबर 13 माइनस 3y एक्स कि आ गया 13 माइनस 3y बटा 2। एक्स का मुल 2 भर के जिथे एक्स राज मैं उ मुल पुट करता आ कैंसल आउट होगी इन्हें इतना गुना कर दो इतना गुना कर दो 26 माइनस 6y प्लस 5y बराबर 23 माइनस दे 6 प्लस दे 5 प्लस माइनस 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 1y बराबर प्लस दे 26 इधर के माइनस दे बन गए माइनस दे 3 कैंसल हो गए वाई का मुल कि आ गया 3। उस तो बड़ा वाई का मुल आते पुट कर दो राजे एक्स वैल्यू निकल जाएगी ए बन गया 3 3 9 हल करके कि आ गया अपने को एक्स का मुल 2। इसे तरह राजे पांचवा सवाल है रूट चा तुसी रूट विच ही सेम इदां ही करना है ये सौखा है क्योंकि इधर दोनों पासे जीरो हैं। आह राजे देखो सेम इधर रूट 2x इधर आके माइनस का बन गया माइनस रूट 3y एक्स कि आ गया आ रकम बटिया चली जाऊगी एक्स का मुल 2 भर के जिथे एक्स आ उत्थे मैंने एक्स का मुल भरता दोनों रकमों के वाई साझा निकल रहा वाई साझा कर लो रूट 3 ना किता 3 माइनस दे 3 बाय रूट 2 माइनस रूट 8 कि आ गया अपने को 0। आह रकम सारी गुना च राजे बटिया चली जाऊगी 0 बटा कुछ भी हो होंगे 0 वाई का मुल 0 जे वाई 0 आ गया तो एक्स का मुल भी कि जो अपने को 0।